अपनी जान पर खेलकर अभिरा ने बचाई विद्या की जान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आप देखेंगे कि एपिसोड की शुरुआत में अरमान दादी से लड़ता है और वहां से लड़कर चला जाता है। वही अभिरा बारिश में खड़ी भीग रही होती है, अरमान छाता लेके जाता है, अभिरा दूर हट जाती है। वही इतने में ही अरमान ऑटो रिक्शा वाले से अभिरा को लेकर जाने को कहता है। ऑटो ड्राइवर बताता है कि ये एक शेयरिंग ऑटो है, आप भी बैठ सकते हैं। अरमान को जल्द ही सुनवाई के लिए पहुंचना होता है और वो उसी ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है। इतने में ही एक और आदमी आता है और वो अरमान को आगे धक्का देता है, जिस वजह से अरमान अभिरा पर गिर जाता है और अभिरा के बाल अरमान की शर्ट में फंस जाते हैं। अरमान अभिरा के बाल निकालने की कोशिश करता है। ड्राइवर पूछता है कि क्या भाभी जी नाराज हैं, आप में झगड़ा हुआ है। अभिरा ड्राइवर को डांट लगा देती है और कहती है कि वो अरमान को नहीं जानती। रूही अक्षय के टूटे हुए फ्रेम को ठीक करती है और सोचती है कि मैंने इसे ठीक कर दिया लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकती। वहीं अभिरा अपने करियर के पहले दिन की शुरुआत करती है और सोचती है कि क्या करूं। और अरमान देखता है कि अभिरा के पास कोई केस नहीं है और वो परेशान हो रही है। उसे अपने पापा की याद आती है कि कैसे उसे फैमिली सपोर्ट की वजह से केस मिले थे। अभिरा अपने डेस्क और अपने क्लाइंट को अरेंज करने की सोचती है। वहीं एक वकील अभिरा से कहता है कि क्लाइंट प्रसाद में नहीं मिलते, आपको उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, वह आपकी बात तभी सुनेंगे। इतने में संजय आता है और सब उसे देखते हैं। वहीं लोग उसे सुपरस्टार कहते हैं, उसके अंदर एक चमक है। अभिरा भी उसे देखती है, संजय भी अभिरा को देखता है। अभिरा को दादी के शब्द याद आते हैं। अभिरा लोगों से बात करने की सोचती है और उनके केस के बारे में उनसे पूछती है, लेकिन लोग उससे बात नहीं करते हैं। एक महिला अभिरा से उसकी उम्र और अनुभव पूछती है और वहां से चली जाती है। एक जोड़ा आता है जो कि कोर्ट मैरिज करना चाहता है। अभिरा उसका केस लेने से पहले उनसे पूछती है कि क्या उनके माता पिता को पता है। वो मना करते हैं, अभिरा उन्हें लेक्चर देने लगती है और वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर माधव अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, विद्या चाय लाती है। वहीं गलती से विद्या के ऊपर चाय गिर जाती है और माधव विद्या की फिक्र करता है। जहां इंस्पेक्टर विद्या से कहता है कि माधव आपसे बहुत प्यार करता है, वो खतरनाक मिशन पर जा रहा है, आप ही उसे रोक सकती हैं, कम से कम उन्हें समझाइए। माधव कहता है कि समझाने की कोई जरूरत नहीं है। विद्या कहती है, नहीं मेरे बारे में सोचो मत जाओ। वह कहता है कि तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। विद्या कहती है कि तुम अभिरा के कहने पर वापस आए हो। माधव कहता है, हाँ लेकिन तुम्हारे लिए। माधव विद्या से कहता है कि वह हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है, तुमने क्या किया, मासा ने उसका अपमान किया, अरमान ने उसके लिए बोला, तुम मासा से डर गई और चुप रही। वह कहती है कि तुम अपनी जान को जोखिम में मत डालो। माधव कहता है कि ये मेरा कर्तव्य है और मुझे निभाना है, तुम अभिरा का ख्याल रखना क्योंकि वो मेरी बहुत परवाह करती है। अभिरा को कोई केस नहीं मिल रहा होता है, वह केस पाने के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि इतने में ही एक आदमी आता है और साइकिल चोरी की कंप्लेन के चलते अपना वकील अभिरा को मानता है। वह अभिरा को देखता है और उससे केस लड़ने को कहता है। अभिरा उसे थैंक यू कहती है। वहीं अरमान ये सब देख रहा होता है क्योंकि उस आदमी को अरमान ने ही भेजा होता है, ये कहकर कि अभिरा तुम्हारा केस लड़ेगी भी और जीतेगी भी, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हारा केस फ्री में लड़ने को तैयार हूँ। अभिरा अब खुशी खुशी घर वापस आती है। वहीं घर पर कुछ काम चल रहा होता है। अभिरा विद्या के ऊपर झूमर गिरता हुआ देखती है और चिल्लाती है। वह दादी के शब्द याद करके भी घर में घुस जाती है और विद्या को धक्का देती है और झूमर उसके ऊपर गिरने से उसे बचा लेती है। कल आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग, ये जानने के लिए और शो से जुड़ी आगे की मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन मायापुरी कट।